दोपहर 12 बजे के मैथिली बुलेटिन में अपने एक स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आगामी आश्विन 10 गते नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति विचार बैसक, जागरण अभियानक विषय में कैल जा समीक्षा। भूगोलविद डॉक्टर हर्क गुरुंग के आई 13वां स्मृति दिवस। गुरुंग शहीद दुर्घटना में दिवंगत 24 गोटे के स्मृति में विविध कार्यक्रम कैल जा रहा। निजी क्षेत्र के बाईपास को सरकार आगा नहीं बढ़त, अर्थमंत्री डॉक्टर खतीवड़ा कहा उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन में जोर देवाक हेतु अनुरोध। सप्ताह व्यापी अमेरिका भ्रमण में रहल भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका में भव्य स्वागत, मोदी तथा ट्रंप खुल कर कले थे एक दूसर के प्रशंसा। असाफ अंडर 18 चैंपियनशिप में आए भारत तथा बांग्लादेश बीच प्रतिस्पर्धा, उपाधि जितवाक लक्ष्य सहित भारत मैदान में उतर रहल। आबवला आसिन 10 गते से नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के बैसार बैसत। आसिन 7 गते काल से संपन्न होय वाला हिमाल, पहाड़, तराई नेपाली कांग्रेस राष्ट्रीय जागरण अभियान के दोसर चरण के अभियानक संबंध में बैसार में समीक्षा होयत बताओल गेल अछि। तहिना बैसार में तत्कालीन नेपाल लोकतांत्रिक फोरम संगे भेल पार्टी एकीकरण के सवाल सहितक भ्रातृ एवं अन्य शुभेच्छुक संस्था सब के विधानक विषय में समेत बातचीत होयत। तहिना नेवी संघ तथा तरुण दल विवाद के विषय में समेत बैसार में चर्चा होबा बताओल गेल अछि। भूगोलविद तथा नेपालक पूर्व राज्य मंत्री राष्ट्रीय योजना आयोगक सदस्य डॉक्टर हर्क गुरुंग के 13वां स्मृति दिवस विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहल अछि। तत्कालीन लमजुंगक बाहुनडाड़ा गावी सॅ वार्ड नंबर 219 में विक्रम संवत 1995 साल पूस 21 गते डॉक्टर गुरुंग के जन्म भेल छल। पिता पारस गुरुंग तथा माता मैश्यो गुरुंग के पुत्र के रूप में जन्म लेने गुरुंग न्याचरा एडिनवरा विश्वविद्यालय बेलायत से डिप्लोमा तथा भूगोल विषय में विद्यावारिधि का डायरेक्ट पास करनिहार पहिल नेपाली बनलैथ। विश्व वन्य जंतु कोष नेपाल द्वारा आयोजित कंचनजंघा संरक्षण क्षेत्र आयोजना स्थानीय समुदाय के हस्तांतरण करवा कार्यक्रम में भाग लौ फिरता एवा क्रम में डॉक्टर हर्क गुरुंग सवार हेलीकॉप्टर 2063 आसिन 7 गते तापलेजुंग के घुंसा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना भेला पर गुरुंग सहित 24 गोटे स्वदेशी एवं विदेशी अपन जान गुमौने छल। डॉक्टर गुरुंग के 13वां स्मृति दिवस के अवसर में नेपाल पर्वतारोहण संघ, नेपाल पर्यटन व्यवसायी संघ, नेपाल गुरुंग पर्यटन व्यवसायी संघ संयुक्त कार्यक्रम के आयोजना क डॉक्टर हर्क गुरुंग सहित 24 स्वदेशी एवं विदेशी के स्मरण कर रहल अछि। नेपाल माछा मासु व्यवसाय संघ दशमी दीपावली तथा छठ में माछ मांस के अभाव नहीं होयत आ दाम सेहो नहीं बढ़त दावी केने अछि। दशमी शुरू भेल संगे जीवित खसी के आयात प्रशस्त मात्रा में भेलाक कारण एहि वर्ष चिंता करय पड़बाक अवस्था नहीं रहल, नेपाल माछा मासु व्यवसाय संघ जनौलक अछि। आंतरिक उत्पादन नेपाली बाजार के मांग खेप सकबाक संघ के द्वितीय उपाध्यक्ष उमेश खड़गी दावी केलेने अछि। संघ के अनुसार एहि वर्ष दशमी शुरू भ रहल समय खस्सी के मांस प्रति किलो 11.5 से 12 में बिक्री भ रहल अछि। माछ मांस के न्यूनतम तथा अधिकतम दाम निर्धारण करय वाला सरकारी मापदंड के अभाव में मांस के दाम व्यापारी अपने निश्चित केने सेहो बतौलक अछि। सरकार सुपथ दाम में खाद्य व्यवस्था कंपनी खस्सी बकरी बेचय लगलाक बाद दाम घटबाक वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के दावी अछि। आर्थिक वर्ष 2074-75 में नेपाल में 2,754 मेट्रिक टन मांस उत्पादन भेल विभाग जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगर पालिका सात ब्रह्मपुर के 24 वर्षक भगवती मंडल ऊपर रवि दिन रात अज्ञात समूह गोली प्रहार केने अछि। भारतीय नंबर के मोटरसाइकिल में आल दू गोटे डाकनेश्वरी नगर पालिका 8 बिसहरिया टोली स्थित कोसी पंप नहर नजदीक रोकि अचानक गोली प्रहार केने मंडल बतौलक अछि। मंडल राजबिराज सॅ 111
1366 नंबर के मोटरसाइकिल से ब्रह्मपुर स्थित घर जा रहल छलथ। मंडल के बाम हाथ के पाखुड़ में गोली लागला पर घायल भेल अवस्था में इलाज के लिए रात राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अंचल अस्पताल पठाओल गेल छल। मंडल के पाखुड़ से अत्यधिक रक्तस्राव भेला कारण हुनका तत्काले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान रेफर कयल गेल छल। घायल मंडल के बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरान में इलाज भ रहल अछि। गोली प्रहार कऽ फरार रहल अभियुक्त के खोजी कार्य तीव्रताक साथ भ रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरिक प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाई जानकारी देलनि अछि। दशमीक तैयारी तीव्र रूप में आगा बढ़ रहल अछि। सरकार उपत्यका बाहर जाय वाला सर्वसाधारण के लेल रवि दिन से अग्रिम टिकट खुला केने अछि, मुदा काठमांडू के नया बस पार्क में टिकट के लेल सर्वसाधारण के समस्या झेल पड़ रहल अछि। काठमांडू के नया बस पार्क में अग्रिम टिकट लेवा बुझ गेल सर्वसाधारण सबके कठिनाई के सामना कर पड़ रहा है। रवि दिन भिनसरे 3 बजे से टिकट खोजल लगले। लाइन में बैसल सर्वसाधारण के टिकट खोजला के पहले दिन में टिकट नहीं भेटला से परेशानी के सामना कर पड़ रहा है। कारण ऐसा काउंटर के कर्मचारी की सेटिंग में अवैध टिकट बिक्री हेनाई, विशेष क पश्चिमांचल कर्णाली या सुदूर पश्चिमांचल जाय वाला बसक टिकट सेटिंग में बिक्री वितरण भ रहल छ। एकजना मान्छे चाहिँ सायद यहाँ त्यो कुन गण भन्ने एउटा सेनाकै मान्छे थिए, अनि उहाँ चाहिँ मैले हेरिरहेको थिएँ, फलोअप गरिरहेको थिएँ, अनि उहाँ भित्र जानुभयो अनि 81 टिकट काटेर अनि एउटा आएमै अनि एउटा बच्चालाई बाँडेर जानुभयो क्या। म त्यहाँ हेरेको अनि एबिसी न्युज भन्ने आएको थियो दुईजना केटीहरू, दिदी त्यहाँनिर त्यस्तो भइरहेछ, त्यो फलोअप गर्नु, त्यो खिच्नु कसरी पायो, हामीले पाएको छैनौँ, हामी यहाँ बसिरहेछौँ, उहाँले 81 कसरी पाउनु भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो हाम्रो अहिले अधिकार छैन, तपाईँहरू आफै गर्नु भन्ने कुरा गर्यो क्या। प्रहरी सर्वसाधारण के सुरक्षा व्यवस्थाको अनुभूति करवाले पैघ मात्रामे प्रहरी परिचालन समेत कनाइ छ, मुदा नयाँ बस पार्कमै अइ किसिमके कोनो अनुभूति होब नै सक रहलै छ। तहिना टिकट काउन्टर बाहर देखाइवला स्थान पर भाडादारको सूची राख पढ्वाक परवला छ। एक आध काउन्टर बाहेक अन्य कोही नै रखने छ। आज एउटा मान्छेहरू हतारिएको पनि मैले देखाएको छु। समस्या चाहिँ कस्तो छ भने भोलिबाट टिकट पाइन्न कि भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ एकदम लाइन लगाएर आजै टिकट लिएर जान्छौँ भन्ने खालको चाहिँ मान्छेहरूमा अब आज अलिकति कौदुलता बढेर आउनुभएको होला। पहिला पनि हामीले सर्कुलर गरेको अवस्थाहरू थियो, यहाँ चाहिँ टिकटको चाहिँ काउन्टरमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ अगाडिपट्टि चाहिँ के भन्छ पैसाको चाहिँ के भन्छ उहाँको जहाँसम्म जानुपर्ने भाडा हो, भाडा दर रेट चाहिँ अगाडिपट्टि टाँसियोस् भन्ने थियो। अब एक प्रायःले अहिले टाँसिया छन् र केहीमा कमी चाहिँ आएको छ, यिनीहरूलाई पनि हामी तत्काल चाहिँ के भन्छ गराउँदैछौँ। सरकार यातायात व्यवसायी सर्वसाधारणकै दुःख नै देवाक प्रतिबद्धता सँगै दशमीक लेल टिकट बुकिङ खुल्ला गर्न छ, मुदा काउन्टरमै बस्निहार सबक नकारात्मक नियतकै कारण यात्रुकै समस्याके सामना गर पड़ रहल छ। कि यी समस्याकै समाधान हे त? अब आर्थिक समाचार। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा निजी क्षेत्र के बाईपास करैत सरकार आगू नहीं बढ़त कहलने अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमांडूक प्रथम वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन करैत अर्थमंत्री खतिवड़ा निजी क्षेत्र संगे सहकार्य करैत सरकार समृद्धि के दिशा में आगू बढ़ल प्रश्न कलने अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा देश में लगानी बढ़ेबाक हेतु सरकार आवश्यक सहजीकरण कऽ दैत कहैत उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन में जोर देबाक लेल निजी क्षेत्र से अनुरोध समेत कलने अछि। औद्योगिक व्यवसाय ऐन भन्ने नियमावली चाहिँ वर्षौँ नभन्ने त्यो पनि हुँदैन, अब हामी छिट्टै नियमावली पनि लिएर आउँछौँ। अब त्यसै गरी कम्पनी ऐन पनि छिट्टै लिएर आउँदैछौँ अगाडि, त्यसमा अनलाइन प्रणालीबाट कम्पनी दर्ता हुने कुराहरू र एकद्वार सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने कुराहरूमा हामी काम गर्दैछौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा पूंजी लगानी तथा उद्यमशीलता के उपयुक्त समय कहत समृद्धि के लिए सरकार संगे सहकार्य करवाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलने। हामी एउटा चाहिँ अन्डर डेभलप कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्रीको अगाडि बढेकोले गर्दा जता हेऱ्यो त्यति अपर्च्युनिटिज छ, पूर्वाधार विकासका अपर्च्युनिटिजहरू छ, पर्यटन विकासका अपर्च्युनिटिज छ, ऊर्जाका अपर्च्युनिटिज छ, हामी ऊर्जालाई हामी बेचेर त्यहाँबाट पुँजी नेपालमा भित्राउन सक्ने अपर्च्युनिटिज पनि छ हामीसँग। साधारण सभा दिनेश श्रेष्ठ के अध्यक्षता में 19 सदस्य नवका कार्य समिति गठन केने अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार फेर से एक बेर। आगामी आश्विन 10 गते से नेपाली कांग्रेस के केन्द्रीय कार्य समिति विचार विषद जागरण अभियानक विषय में कयल जात समीक्षा।
भूगोलविद डॉक्टर हर्क गुरुङ की आय 13वां स्मृति दिवस। गुरुङ शहीद दुर्घटना में दिवंगत 24 गोटे के स्मृति में विविध कार्यक्रम कैल जा रहल। निजी क्षेत्र के बायपास को सरकार आगा ने बढ़त। अर्थमंत्री डॉक्टर खतीवड़ा कह उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन में जोर देवाक हेतु अनुरोध। सप्ताह व्यापी अमेरिका भ्रमण में रहल भारतीय प्रधानमंत्री के अमेरिका में भव्य स्वागत। मोदी तथा ट्रंप खुल कल एक दूसर के प्रशंसा। असाफ अंडर 18 चैंपियनशिप में आए भारत तथा बांग्लादेश बीच प्रतिस्पर्धा। उपाधि जितबाक लक्ष्य सहित भारत मैदान में उतर रहल। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमर सबक वेबसाइट jantasamachar.com में सेहो पढ़ा देख सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता। समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।